गाइज़ वेलकम टू आवर चैनल आई टी एवलेंस। तो गाइज़ आज 7 अक्टूबर को आप लोग के फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का पेपर वन जो है एग्जामिनेशन हुआ, जिसका कि ऑथेंटिक आंसर की जो है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग को, आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। तो गाइज़ ये जो एग्जामिनेशन था टोटल 2 घंटे का एग्जाम हुआ है। फिर उसके बाद आपका जो टोटल मार्क्स जो था ये 150 नंबर का था, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो आप स्पेसिफाई कर देता हूँ 7 अक्टूबर का ये क्वेश्चन है जो कि आज के डेट में पूछा गया है, और इसके पहले जो 6 अक्टूबर का भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका भी मैं आप लोग को इलेक्ट्रिशियन फिटर का या WCS का जो है आपका ट्रेड थ्योरी हो चाहे WCS हो उसका आंसर की प्रोवाइड किया हूँ, चैनल पे जाके देख लीजिए। 5 तारीख का भी जो एग्ज़ाम हुआ है आपका सेकंड सेमेस्टर का, उसका भी मैं आंसर की प्रोवाइड किया हूँ। तो गाइज जो बच्चे न्यू है चैनल पे चैनल के साथ जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की अपडेट्स और फिर आंसर की या फिर जॉब अप्रेंटिस या फिर आप लोग को अदर अपडेट्स दी जाती है। आइए गाइज हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या आंसर की इसका था आज के एग्ज़ाम का, ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ये देख लीजिए इंग्लिश वर्सन में है, ठीक है, इंग्लिश वर्सन में, और इसके बाद ही जो है हिंदी वर्सन का भी सेम PDF में डाल दिए हैं। अब इसी PDF को आपको लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये PDF मिल जाएगा विथ आंसर की, इसी PDF में सारा कुछ दे दिए हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश का सेम क्वेश्चन है, हिंदी में वही क्वेश्चन, तो चलिए हम हिंदी में कर लेते हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चे हिंदी में है, इस वजह से हिंदी मीडियम के, इस वजह से हिंदी में है क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए गाइज ये जो है आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए ये क्वेश्चंस हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं, आपको जो भी आंसर सटीक जो एक्यूरेट आंसर है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तारों में गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बांधों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका गाइज C नंबर, ठीक है, क्या होता है सी नंबर, नायलॉन बंद का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का नाम बोला गया है, क्या है इसका नाम, तो देखिए ये जो आपका ये जो है आपका क्या नाम है इसका, RIN रेल, ओके, डिन रेल, सॉरी DIN रेल, डिन रेल, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौन का क्या नाम है, ओके, इसका नाम पूछा गया, ये क्या है, तो ये क्या हो जाता आपका ग्रोमेट होता, ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, तो क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी 4 नंबर का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको हम लोग कहते हैं MCB आप लोग कहते हैं ना, वही है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्चुएटर, ठीक है, एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित किया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा आपका लिमिट स्विच, ओके, क्या हो जाएगा लिमिट स्विच। चलिए ये क्वेश्चंस और भी ज़्यादा फास्ट करा सकता था मैं, क्योंकि ये हिंदी है, इस वजह से थोड़ा हिंदी संभल के पढ़ना पड़ता है। खैर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है, तो गाइस इसका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाता आइसोलेटिंग स्विच होता, आइसोलेटिंग स्विच। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB OLR और माउंट करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा भाई इसका, हो जाएगा DIN रेल, क्या हो जाएगा डिन रेल, ओके, डिन रेल आपको दिखाएं अभी कैसा होता है फिगर में, ये वाला यही है DIN रेल, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 कहता है कि किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा गाइस, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्मल रिले, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा होगा, ठीक है, ये पूछा गया है आपसे, ऑर्डर पूछा गया, तो क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, मतलब स्टार, उसके बाद फिर मेन, फिर टाइमर, उसके बाद फिर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पैनल क्यों प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, तो क्यों प्रदान किए जाते हैं, इसका सही आंसर क्या आता है ऑप्शन नंबर बी, क्या है, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में PVC चैनल का उपयोग क्या है, ठीक है, तो क्या है भाई इसका उपयोग है बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी। तो इंग्लिश मीडियम में आपके पास क्वेश्चन या हिंदी मीडियम में आपके पास, हालांकि क्वेश्चन तो दोनों में आया हुआ है, लेकिन यदि ऐसे बच्चे जिनको कि हिंदी समझ में नहीं आता, इंग्लिश में पढ़े हुए, तो आप सेम टू सेम यही आंसर्स है उनका भी,
क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है तो सेम ही आंसर होगा ही। चलिए क्वेश्चन पर 12 देखिए, कहता है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में DIN रेल का उपयोग क्या है। तो क्या उपयोग है भाई इसका? उपयोग है स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। क्या हो जाता है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, क्या है ये? टाइमर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। तो भाई क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी हो गया, सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। तो कौन सा है भाई? ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। ओके ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। तो गाइस ये हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का जो है एनालिसिस कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये जो एग्जामिनेशन CVT वाले चल रहे हैं तो सेकंड ईयर में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सेकंड ईयर के यदि आपका ट्रेड थ्री का एग्जाम है तो उनमें भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लास्ट में आप लोग को हम बताएंगे कि क्वेश्चंस कहां से आए थे और 100% 50 out of 50 क्वेश्चंस कहां से दिए गए थे, और CVT में भी आपके लिए सहायक रहेगा। चलिए तो आपके जो साथी जिनका कि एग्जाम है उनको रेफर जरूर कीजिएगा ये बात। चैनल का भी प्रेफरेंस दीजिएगा, ताकि वो लोग भी बच्चे लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप जो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब किए ही होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए गाइस, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। गैर पारंपरिक पूछा गया, नॉन कन्वेंशनल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हवा होता है। ठीक है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऊर्जा की प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है भाई? तो ए है, सूर्य है। ठीक है नेचुरल रिसोर्स पूछा गया था, तो क्या होता है? सूर्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टर्बाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है जो हाइड्रल पावर प्लांट होता है उसमें कौन सा जो है टर्बाइन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बताइए। तो हो जाएगा क्या? आवेग टर्बाइन, आवेग टर्बाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका, पन बिजली स्टेशनों में पेन स्टॉक का कार्य क्या है। तो पेन स्टॉक का क्या कार्य है भाई? आपका ऑप्शन नंबर बी, टर्बाइनों तक पानी पहुंचाता है। ओके ओके गाइस चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या होता है। तो बॉयलर का उद्देश्य होता है आपका पानी को भाप में परिवर्तित करता है। ठीक है पानी को किसमें बदल देता है? वो आपका जो वेपर है उसमें बदलता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो जानते हैं आप लोग क्या होता है? कैडमियम, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस जिनका आंसर मिल रहा है और पास कर जाएंगे जो बच्चे उनको तो बहुत बहुत ही बधाई, और मेरी शुभकामना है सभी बच्चों के साथ कि जितने बच्चे एग्जाम दिए आज सभी बच्चे अच्छे से पास करें और उनको कोई जॉब अच्छा से मिल जाए या फिर अप्रेंटिस कहीं से करें तो, और या फिर CITS की करें। तो सारी अपडेट्स जो है अप्रेंटिस जॉब सारा चीज़ मैं अपने चैनल पर देता हूं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के अभी आप देख रहे हैं वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है। ठीक है तो क्वेश्चन क्या इसका क्या हो जाता है इसका? ऑप्शन स्लरी। ठीक है घोल जो होता है ना वो होता है जैव द्रव्यमान। ठीक है का अवशेष मतलब कि आपका जो जो बायो वेस्ट होता है, बायो वेस्ट उसका अवशेष कौन सा है। तो वो स्लरी को उसको हम लोग कहते हैं जो कि बायो पावर प्लांट जो होता है ठीक है बायोगैस उसमें ये चीज़ें निकलती हैं। चलिए बायोगैस का मुख्य घटक पूछा गया, तो आप लोग को मुख्य बोला गया था क्या घटक इसका, तो ऑप्शन चल जाएगा बी, क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है CH4। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन 25 कहता है कि सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। ठीक है भाई तो कैसे किया जाता है बताइए, इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी चल जाता है। जो बच्चे डी मारे हैं उनका बिल्कुल राइट है आंसर। ये क्या हो जाएगा? जब सूर्य की रोशनी फोटोवोल्टिक सेल पर टकराती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है देखिए, स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर जो होता है ठीक है का कार्य पूछा गया है। तो इसका क्या क्या कार्य है इकोनोमाइजर का? फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है। ठीक है फ्लू गैस जो होते हैं उससे उसके द्वारा जो है पानी को जो फीड किया जाता है उसको गर्म करने का कार्य होता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य पूछा गया है, तो क्या उद्देश्य है भाई? इसका आंसर हो गया आपका सी, क्या है कि खाड़ी के प्रवेश द्वारा पारा पानी को नियंत्रित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कहता है 28 नंबर, देखिए किसी बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है, किसमें है? यह हो जाता है परमाणु शक्ति संयंत्र में, ठीक है, परमाणु शक्ति संयंत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है? तो वोल्टेज अनुपात क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कितना, 240 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल फेज, ठीक है, और 240 के अगर सिंगल फेज हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ये पूछा गया है कि ओएच लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम पूछा गया, कौन सा इंसुलेटर है भाई? ये है आपका साइकिल इंसुलेटर, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग का प्रैक्टिकल में भी पूछा गया था साइकिल इंसुलेटर बनाने के लिए, तो यहाँ पे थ्योरी में भी पूछा गया है। खैर आइए क्वेश्चन नंबर जो है 31, ओवरहेड लाइन, ठीक है, ओवरहेड लाइन संयुक्त के प्रकार क्या हैं? तो इससे आपका जो है कौन सा ये प्रकार है ओवरहेड लाइन का, ठीक है, क्या है ये? मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न। आइए क्वेश्चन नंबर समझ गए, 31 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि ओवर हेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्या प्रबलित किया जाता है? क्या किया जाता है? तन्यता बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर चल गया, इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किस प्रकार का AC प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3 फेज 3 तार, ठीक है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, लाइन समाप्ति पर कोने में खंभे के लिए, ठीक है, कोने में खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? हो जाएगा साइकिल इंसुलेटर, जो भी दिखाए थे फिगर, ठीक है, उसी को कहते हैं साइकिल इंसुलेटर। 35 ओवरहेड लाइंस, ठीक है, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम पूछा गया है, तो ये मोस्ट कॉमन है, आप लोग देखते होंगे घर के ऊपर जो एल्युमिनियम का जो रहता है, ठीक है, वायर्स होते हैं, ACSR उसको कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि विद्युत, ठीक है, विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो क्या है इसका उद्देश्य? ओवरहेड लाइंस पर इंसुलेटर पकड़ना। आइए क्वेश्चन नंबर 37 फीटर ट्रेड का भी डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा फीटर ट्रेड के भी जो बच्चे होंगे, और अगला शिफ्ट जिनका WCS का है उनका भी आंसर्स मैं दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, ASCR का मतलब देखिए, पूछ ही दिया गया ये क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म पूछा गया, तो क्या है होता है इसका फुल फॉर्म? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव किसे कहा जाता है? तो ये होता है आपका मोटर को नियंत्रित करने के लिए विद्युत यांत्रिक उपकरण, ऑप्शन नंबर सी। 38 का 39 नंबर देखिए, 39 कहता है कि डायनामिक्स, ठीक है, डायनामिक्स और ट्रांजिएंट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है? ड्राइव का वर्गीकरण पूछा गया, तो क्या हो जाएगा? परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव। ओके क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 40 कहता है, देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? साइक्लो कन्वर्टर्स के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर चल गया ए 40 का। आइए 41 नंबर कहता है कि ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार का संवेदन इकाई कार्यरत होता है? तो क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर बी, गति संवेदन। अगला क्वेश्चन 42, डीसी ड्राइव में नियंत्रण पैनल में JOG कुंजी का उद्देश्य पूछा गया है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंचिंग ऑपरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 43, टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए
परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण होता है? तो गाइस क्या कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता है, विद्युतीय हस्तक्षेप को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है कि एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है, तो उपयोग बताना है। मुख्य उपयोग है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोटरों में नियंत्रित रहित गति। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए ठीक है एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? तो क्यों बेहतर है, क्योंकि कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता इस वजह से। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 46 कहता है कि ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिग्नल क्वाड्रेंट लोडा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका क्वेश्चन थोड़ा मुझे गड़बड़ बुझा रहा है, आप इंग्लिश वर्सन में देख लीजिएगा ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है अपकेंद्रीय पंप। हालांकि इस क्वेश्चन में जो सॉल्व किया हूँ इंग्लिश वर्सन में किया हूँ, लेकिन यहाँ पे हिंदी में टिक इसलिए किया हूँ क्योंकि आप लोग बहुत बच्चे मेजोरिटी में जो है हिंदी मीडियम के, इसी वजह मुझे हिंदी में बताना पड़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट FSU का क्या कार्य होता है, बताइए क्या कार्य होता है? तो आंसर हो जाएगा मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन 48 क्या है, देखिए एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल BOP में LCD का उद्देश्य पूछा गया है। क्या है भाई LCD का उद्देश्य? AC ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करें ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर B 48 का। चलिए 49 कहता है कि DC मोटर में बाला घूर्ण के समानुपाती कौन सा है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर D आर्मेचर करंट। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट गाइस ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि BF ड्राइव में IGBT क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। तो गाइस ये जो है आप लोग का टोटल 50 क्वेश्चंस था, अलग से यहाँ देखिए जो है PDF में ही ये आंसर की भी मैंने डाल दिया है, ताकि आप लोग जब टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके ले पाइएगा इसको। और दूसरी बात है गाइस कि आप लोग को बस ये करना है कि ये जो चैनल है ITI ब्रेंस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये PDF आपको यहीं पे मिल जाएगा टेलीग्राम में ITI ब्रेंस में। और दूसरी बात है गाइस कि वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा, आप किन्हीं का एग्ज़ाम मान लीजिए कल है फर्स्ट सेमेस्टर का, या फिर आज सेकेंड शिफ्ट में यदि इसका है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का, या फिर कल आपका एम्प्लॉयड स्किल है, तो आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। बच्चे जो भी आपके संपर्क में उनको जरूर चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जो है उनको बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम तरह की अपडेट्स दी जाती है। जिन बच्चों का हो गया आज एग्ज़ाम और वो बच्चे का अब सर्टिफिकेट भी हो जाए, क्योंकि इसी सिर्फ एग्ज़ाम के लिए फंसे हुए थे क्योंकि बैक पेपर एग्ज़ाम चल रहा है, तो वैसे बच्चे भी जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको अप्रेंटिस आगे के लिए या जॉब्स आपके ITI से रिलेटेड सारी यहाँ पे बताई जाती है। आई होप गाइज कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो गाइज चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।